हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब अपडेट्स। जो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई जॉब वैकेंसी की अपडेट्स जो कि आया है एपकैट की तरफ से। जी हां दोस्तों, एपकैट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो कि रिक्रूटमेंट करने जा रहा है वेरियस पोस्ट के लिए, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों के लिए एंड NCC स्पेशल एंट्री के लिए भी रिक्रूटमेंट करने जा रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इनका वैकेंसी डिटेल्स, एज लिमिट, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, सबको हम डिटेल्स में देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई जॉब वैकेंसी की अपडेट्स लाए आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों एपकैट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें टोटल 334 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट होगा। उसमें जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 96 पोस्ट है SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसके लिए 96 पोस्ट रखा गया है। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए टोटल 137 पोस्ट रखा गया है, जिसमें AEL यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 98 पोस्ट है एंड AEM यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 39 पोस्ट रखा गया है। देन नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इसमें भी आपका टोटल 70 पोस्ट रखा गया है। देन नेक्स्ट है NCC स्पेशल एंट्री वैकेंसी। दोस्तों NCC के लिए जो स्पेशल वैकेंसी रखा गया है उसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो 10% सीट होगा, उसमें जो CTSE के जो टोटल वैकेंसी है उसमें 10% और जो एपकैट के जो टोटल वैकेंसी है उसमें 10% आपका NCC स्पेशल एंट्री वैकेंसी के लिए रखा गया है। यानी कि टोटल जितने भी CDSE के वैकेंसी होगा उसमें 10% PC के लिए यानी कि परमानेंट कमीशन एंड एपकैट जो कि 10% रखा गया है एपकैट की वैकेंसी, उसमें आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए और वो SSE के लिए यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। देन मेट्रोलॉजिकल एंट्री के लिए टोटल जो वैकेंसी रखा गया है वो 28 रखा गया है। देन दोस्तों बात करते हैं हम एज लिमिट की। यहाँ पर जो फ्लाइंग ब्रांच एंड NCC स्पेशल एंट्री के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम 20 से लेकर मैक्सिमम 24 तक रखा गया है। यानी कि अगर आप 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। एंड नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के लिए आपका जो मिनिमम एज लिमिट 20 रखा गया है एंड मैक्सिमम 26 रखा गया है। एंड नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जो एपकैट एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एजुकेशनल मांगा गया है वो ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन। पहला जो है ग्रेजुएशन, आपका कोई भी ब्रांच से किए हो तो आपको आप एलिजिबल हो, आपके पास 60% होना चाहिए या फिर BE BTEC किए होंगे तो आपको एलिजिबल हो आप, और उसमें भी आपका 60%। और अगर आप कोई भी क्लियर सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स है आप क्लियर किए होंगे तो भी आप एलिजिबल हो एपकैट एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए। देन नेक्स्ट है एपकैट एंट्री जो कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियन ब्रांच के लिए आपका 10+2 फिजिक्स एंड मैथ के साथ 4 ईयर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। आपका जो डिग्री मांगा गया है उसके साथ आपका जो प्लस टू में फिजिक्स एंड मैथ कंपलसरी होना चाहिए। देन नेक्स्ट है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए, इसमें आपका डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और अकाउंट BCom डिग्री और एजुकेशन MBA MCA और MA और MSc डिग्री, इसमें आपका कोई भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट है NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए, इसमें आपका 10+2 में फिजिक्स मैथ कंपलसरी रखा गया है विथ ग्रेजुएट्स विथ मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क और
अगर आप बीटेक के होंगे उसमें भी आपका मिनिमम 60% मांगा गया है एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। तो दोस्तों अपने हिसाब से देखिए। देन नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है इन साइंस स्ट्रीम। दोस्तों आप जिस ब्रांच में भी अप्लाई कर रहे हो उसमें उसके लिए आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप ज़रूर चेक कर लीजिए। देन नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फ़ी, यहाँ पर टोटल 250 रखा गया है एफकैट एंट्री के लिए, और आपका जो एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड मेट्रोलॉजी जो कि ब्रांच है रखा गया है उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। इसके अलावा जितने भी वैकेंसी है उसके लिए 250 रुपीस रखा गया है और इनका जो पेमेंट ऑनलाइन होगा। देन सिलेक्शन जो होगा इसके लिए एफकैट की तरफ से एग्ज़ाम होता है, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट रखा गया है careerindiaairforce.cdse.in आप वहां पर भी विजिट कर सकते हो, नहीं तो उनके एक दूसरा वेबसाइट जो कि fcat.cdse.in आप वहां पर भी विजिट कर सकते हो। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों यहां पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट रखा गया है, जैसे कि जो पहला डेट एप्लीकेशन का वो आज से शुरू हो रहा है, यानी कि 1 जून 2021 से शुरू हो रहा है। एंड इनका जो लास्ट डेट रखा गया है 30 जून रखा गया है इनका लास्ट डेट। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नई जॉब वैकेंसी की अपडेट के साथ। तब तक अब अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।